विषय है उप संपादक की भूमिका एवं कार्य, रोल एंड फंक्शंस ऑफ सब एडिटर। उप संपादक क्या होता है? उप संपादक एक ऐसा पत्रकार है जो पत्र को अंतिम आकार देता है, उसे एक वास्तुकार भी कहते हैं, एक शिल्पकार भी कहते हैं, उसे एक विश्वकर्मा भी कहते हैं, विश्वकर्मा। यह पत्र को संवारता है, सजाता है, सुशोभित करता है, आकर्षक बनाता है, प्रभावी बनाता है अपनी कला से, अपनी विधा से। एक संपादन कला, संपादन का खिलाड़ी होता है और अपनी कला विधा से समाचार पत्र को प्रभावी बनाता है। कहते हैं, सोल्जर्स फाइट द बैटल एंड बट वार्स आर वॉन और लॉस्ट बाय जनरल्स। सिमिलरली इट इज द सब एडिटर्स एंड रिपोर्टर्स हु ब्रिंग अबाउट अ न्यूज़पेपर, बट इट इज कॉल्ड एन एडिटर्स न्यूज़पेपर। समाचार पत्र का अधिकांश कार्य सब एडिटर्स और रिपोर्टर्स मिलकर करते हैं। रिपोर्टर्स न्यूज लाता है, सब एडिटर्स उसका संपादन करता है, लेकिन सारा क्रेडिट किसको जाता है? प्रधान संपादक। ठीक है, फिल्म में भी देखोगे एक्टर एक्ट्रेस सब काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को जाता है ना, सुभाष घई का फिल्म नाम उसका होता है। उसी तरह अखबार में भी सब एडिटर्स बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये छुपे रुस्तम की तरह है, सब एडिटर्स को कहते हैं हीरो बिहाइंड द स्क्रीन, दे आर द डार्क हॉर्स। ये पर्दे के पीछे के हीरो हैं, ये छुपे रुस्तम हैं। क्यों? क्योंकि इनका नाम नहीं छपता। नाम किसका छपता है? रिपोर्टर्स का नाम छपता है। रिपोर्टर जब कोई न्यूज लाता है, उसकी एडिटिंग होती है, तो भी नाम छपता है रिपोर्टर का। ठीक है, भाई रमेश कुमार, भाई सुरेश कुमार, भाई महेश कुमार, उसका नाम छपेगा तो क्रेडिट उसको मिलता है, सारे लोग उसको जानते हैं। वो दाढ़ी वाला, वो झोला वाला सिटी रिपोर्टर, उसको कमिश्नर भी पहचानता है, उसको यूनिवर्सिटी के कुलपति भी पहचानते हैं, और सब एडिटर को कोई नहीं पहचानता क्योंकि वो रूम में बैठकर संपादन करता है। ठीक है, चीफ सब एडिटर को भी बहुत कम लोग जानते हैं, चीफ रिपोर्टर को बहुत लोग जानते हैं, चीफ ऑफ द ब्यूरो को बहुत लोग जानते हैं, न्यूज एडिटर को कोई नहीं जानता। तो इसलिए जो सब एडिट जो एडिटोरियल डेस्क पर जो होते हैं वो छुपे रुस्तम होते हैं। लेकिन वही लोग खबर को पढ़ने योग्य, सुनने योग्य, देखने योग्य बनाते हैं। रिपोर्टर एकदम कच्चा संपादकीय सामग्री देता है, उसको उन्होंने सजाकर संवारकर सुशोभित करके प्रभावी बनाते। कई बार आप किसी रिपोर्टर का न्यूज़ पढ़ोगे पढ़ने लायक भी नहीं, लेकिन उसका न्यूज़ को स्मेल कर लेता है और उसमें अच्छी भाषा, अच्छी हेडलाइन, अच्छी इंट्रो, अच्छे ब्लर्ब, अच्छे पिक्चर सब मिला जुला कर जब उसका एडिटिंग होता है तो खराब से खराब चीज़ बहुत अच्छा हो जाता है। एडिटिंग के बाद वही चीज़ पहले लग रहा था कि ये बेकार है, और जब एडिटिंग हो जाता है तो वही चीज़ में एक जान आ जाती है। तो उप संपादक खबर में जान फूंक देता है, अपनी कला से, अपनी विधा से, अपनी शैली से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, ये उप संपादक होता है। उप संपादक का इक्विवेलेंस जो है वो रिपोर्टर के बराबर होता है, उसका स्टेटस रिपोर्टर के बराबर होता है, उसके उसका स्टेटस, उसकी पोजीशन, उसकी वैल्यू रिपोर्टर के बराबर होता है अखबार में, उसकी सैलरी रिपोर्टर के बराबर। हाँ, रिपोर्टर को कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, क्योंकि वो फील्ड में जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अदर कम्युनिकेशन कॉस्ट, मोबाइल कॉस्ट, इवन समटाइम्स बिग न्यूज़पेपर्स दे प्रोवाइड गुड मोबाइल टू देयर रिपोर्टर्स, सो दैट इज एडिशनल फैसिलिटीज। ठीक है, बट बेसिक सैलरी एंड अदर पर्क्स आर इक्वल, सो देयर स्टेटस इज इक्वल, देयर सैलरी इज इक्वल, देयर पोजिशन इज इक्वल, देयर सो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। सब एडिटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सब एडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ सब एडिटर इन द न्यूज रूम। ठीक है, क्योंकि सब एडिटर जब अपने सब एडिटोरियल डेस्क पे काम करता है तो उसको काम कौन देता है? मैंने पहले भी थोड़ा इशारा किया था कि चीफ सब एडिटर कॉपी बांटता है,
आपसे काम करवाता है, आपकी कॉपी चेक करता है, आपको समझाता बताता सिखाता भी है और आपके परफॉर्मेंस को भी जज करता है, आपकी रिपोर्ट भी ऊपर वही भेजता है। आप देर से आए तो वही आपको बोलेगा, टोकेगा, ज़्यादा देर से आएंगे तो कहेगा छुट्टी ले लो, आज आज आप ज्वाइन मत करो, जाओ घर ही चले जाओ, ज़्यादा ही देर कर दिया तुम, अब घर ही चले जाओ वापस, ठीक है। सो यू आर द सब एडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल आर answerable टू द चीफ सब एडिटर, ठीक है, बिकॉज एवरी थिंग विल बी ऑब्जर्व परफॉर्म जज्ड बाई योर चीफ। कैसा हेडलाइन दे रहे हैं आप, कैसा इंट्रो दे रहे हैं, कैसा बॉडी बना रहे हैं, कैसा पूरा कॉपी बना रहे हैं, ये सब वही देखता है और उसी के निरीक्षण में, देख रेख में, उसी की सुपरविजन में आप काम करते हैं। तो एक रूप, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वही आपका इमीडिएट, मतलब सब एडिटर का इमीडिएट बॉस होता है। उसके बाद हेडलाइन देना सब एडिटर का बहुत प्रमुख कार्य है, अच्छी हेडलाइन देना। एक बड़ा फेमस कोटेशन है, डेडलाइन इज टू ए रिपोर्टर व्हाट हेडलाइन इज टू ए सब एडिटर, ठीक है। सब एडिटर अपने हेडलाइन से जाना जाता है और रिपोर्टर डेडलाइन का कितना पालन करता है, तो ये डेडलाइन उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हेडलाइन इसके लिए बड़ा। आपको पता होगा कि अखबार के ज़्यादातर रीडर्स हेडलाइन ही पढ़ते हैं, मान लो 36 पेज का अखबार है, 20 पेज का अखबार है, तो सारे न्यूज़ को तो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन एक बार सब लोग हेडलाइंस को जरूर देखते हैं, अच्छा लगा तो पूरा पढ़ते, अच्छा लगा तो थोड़ा इंट्रो पढ़े, और अच्छा लगा तो पूरा पढ़ गए, लेकिन हेडलाइन सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसलिए हम हेडलाइंस को ही रियल ओपिनियन मेकर्स कहते हैं, कहते हैं ना न्यूज़पेपर्स आर द ओपिनियन मेकर्स ऑफ द सोसाइटी, वास्तव में इट इज़ द हेडलाइंस विच आर द ओपिनियन मेकर्स ऑफ द सोसाइटी। अच्छे हेडलाइन दोगे तो अच्छे ओपिनियन फॉर्मेशन जनमत तैयार होगा, खराब हेडलाइन दो। सब एडिटर्स जो ट्रेनिंग पर होते हैं उनकी नौकरी भी उनकी इस योग्यता पर बड़ा महत्व दिया जाता है कि एक्स बड़ा अच्छा हेडलाइन देता है, बाई बड़ा गंदा हेडलाइन देता है, ठीक है। तो हेडलाइन देने की कला, ठीक है, उसके अलावा भी उसका इंट्रो, उसका बॉडी, लेकिन अच्छा इंट्रो अच्छा बॉडी तो अच्छा हेडलाइन, सब मिला के ओवरऑल कॉपी अच्छी होगी। कई बच्चे बड़े धुरंधर होते हैं हेडलाइन देने में, दे आर ट्रेनिंग सब एडिटर, दे गिव वेरी गुड हेडलाइन, वो एक अलग स्किल है। कई लोगों का लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, उसके बाद भी वो ऐसा हेडलाइन नहीं दे पाते जैसे अखबार को चाहिए, जर्नलिस्टिक कैची हेडलाइन होता है, तो वो भी एक सीखने की और अभ्यास से होता है। उसके बाद पेज मेकअप करने भी आना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि एडिटिंग दो तरह से होता है, पुराने ज़माने में एक कलम से होता था और कैची से होता था, कलम से होता था कॉपी एडिटिंग और कैची से होता था मेकअप एडिटिंग। तो हम मेकअप करते हैं, पेज का मेकअप करते हैं, पेज का भी लेआउट, डिज़ाइन, मेकअप, कलर भी देते हैं पेज में, जैसे हम लोग खुद सजते संवरते हैं तो अलग अलग प्रकार का ड्रेस पहनते हैं, कंट्रास्ट कलर और कई तरह का हम लोग श्रृंगार से संबंधित सावधानियां बरतते हैं, उसी तरह पेज को भी सजाया सवारा सुशोभित किया जाता है। तो उसकी पेज, उसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ साज सज्जा, किस तरह से स्टोरी रखें कि वो पेज सुंदर दिखे। अखबार ऐसे लटक रहा है किसी स्टैंड पर, हॉकर्स के इस पर, दूर से ही आकर्षित करता है, देखो वो अखबार कितना सुंदर लग रहा है, एक बार व्यक्ति उसकी सौंदर्य उसकी पृष्ठ प्रथम पृष्ठ को देखकर आकर्षित हो जाता है, तो ले भाई 5 रुपया ले लो, ये अखबार मुझे दे लो। कोई अच्छा हेडलाइन दिख गया फ्रंट पेज पर भी, या उसको बेचने वाला भी उसकी शीर्षक को चिल्ला चिल्ला कर बेचता है, ठीक है, तो उसकी रूप साज सज्जा, उसकी शीर्षक, उसके सर्कुलेशन बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका होती है। Responsible for good edition, सब एडिटर अच्छे संस्करण के लिए जिम्मेवार है, अखबार का अच्छा संस्करण, मैंने आपको बताया था चीफ सब एडिटर अच्छे संस्करण के लिए जिम्मेवार, ये भी जिम्मेवार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो यही करता है, चीफ सब एडिटर से भी ज़्यादा। चीफ सब एडिटर तो कॉपी बांटेगा, एक दूसरे का चेक करेगा, काम तो यही करते हैं, डेस्क पर जो भी एडिटोरियल डिपार्टमेंट का काम है वो सब एडिटर ही करता है, उसी में कोई सीनियर है तो सीनियर सब एडिटर, वो भी सब एडिटर ही है। वैसे तो चीफ सब एडिटर में भी सब लगा हुआ है, चीफ सब एडिटर, लेकिन जो चीफ होता है
वो ज़्यादातर कॉपी बांटता है, कॉपी कलेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हेवी वर्क ऑफ प्रेशर है तो चीफ भी एडिटिंग करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे नाइट शिफ्ट में बहुत हेवी प्रेशर होता है तो चीफ सब भी एडिटिंग कर रहा है, सारे एक जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में चीफ सब एडिटर काम कम करता है, सबसे ज़्यादा काम सब एडिटर का, पूरा अखबार निकालने में उसकी आम भूमि। हाँ, कोई लीडर होता है, कोई सुपरविजन कर रहा है, कोई उनको करेक्ट कर रहा है, दैट इज चीफ सब एडिटर। समटाइम्स न्यूज एडिटर भी सब एडिटर्स को के स्टोरी को, हालांकि वो पूरा पेज देखता है तो उसमें भी वो बताता है, इंडिविजुअल को कभी कॉल करके भी बताता है कि ये किसने की है स्टोरी। तो पता चला चीफ सब ने देखा, उसके पास एक वो होता है, लिस्ट होता है कि किसने कौन सी स्टोरी की, तो बुलाकर उससे बात करते। अब तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज रूम है, उसमें भी सारा रिपोर्ट होता है। और न्यूज एडिटर जो कि चीफ सब एडिटर का भी एक तरह से बॉस, इवन ही कैन कॉल समबडी एंड बड़े फ्रेंडली टोन में उसको बता सकता है। सो सब एडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए गुड एडिशन, एक अच्छे समाचार पत्र के एक अच्छे संस्करण के निर्माण में उप संपादक की बहुत ही अहम भूमिका होती है। मेजर शेयर ऑफ वर्क, अभी अभी मैंने बताया कि काम का 90% से ज़्यादा काम उप संपादक ही करते हैं, क्योंकि एक नहीं होते, अनेक होते, एक एक टीम में 10-10, 12-15 उप सब एडिटर्स होते हैं, और सब मिलजुल करके कोई स्पोर्ट्स का कर रहा है, कोई इंटरनेशनल कर रहा है, कोई नेशनल कर रहा है, कोई लोकल कर रहा है, सब मिला जुला कर वो पूरी टीम होती है, बड़ी टीम। सबसे बड़ी फौज सब एडिटर्स की होती है, सबसे ज़्यादा संख्या होती है उनकी। उसके बाद कमांड ओवर द लैंग्वेज, उप संपादक को अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और उसका कार्य या भूमिका है कि वो अपनी भाषा को निरंतर सुधारता रहे। वो अखबार को सजाएगा, संवारेगा, सुशोभित कैसे करेगा, जब उसके पास वर्ड्स पावर होगा तब तो, जब उसके पास अच्छे स्टाइलिश सेंटेंस लिखने की क्षमता होगी तभी तो। तो इसीलिए भाषा को पत्रकारिता में बहुत महत्वपूर्ण माना गया। कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, एंड दैट वन इज लैंग्वेज। स्पेशलाइजेशन एक तरफ है, उस डिबेट में मैं नहीं फंसना चाहता, अभी बाद में करूंगा चर्चा, लेकिन अभी कहते हैं स्पेशलाइजेशन यही है कि आपकी भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण है। न्यूज़ तो आपको अनेक प्रकार के करने होते हैं, ठीक है। तो कमांड ओवर द लैंग्वेज, दैट इज हिज रोल। जब उसकी फंक्शन के रूप में उसको वर्णन करेंगे तो इट इज हिज जॉब टू इम्प्रूव हिज लैंग्वेज डे इन एंड डे आउट। हर दिन वो 10-12-15 नए शब्द सीखता है, नए फ्रेज सीखता है, कई अखबार पढ़ना होता है उसको, उसको समाचार पत्र के तरफ से 3-4 अखबार दिया जाता है मुफ्त, जो तुम पढ़ के आओ, ठीक है। वहाँ भी दफ्तर में भी अगर फ्री बैठा है तो कुछ वर्ड्स देखेगा, कोई सेंटेंस देखेगा। ही सपोज टू इम्प्रूव, ही सपोज टू इम्प्रूव एवरी डे, लर्न सम न्यू। कोई नया शब्द बड़े प्रचलन में कभी कभी आ जाता है तो उस शब्द को भी वो देखेगा, समझेगा और उसका कैसे यूज होता है। सो वर्ड पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था आपको कि शब्द की चयन, शब्द की रचना, शब्द का आयोजन, शब्द की प्रस्तुति, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है लेखन, क्योंकि शब्द ईंट की तरह होते हैं। जैसे मकान का रोल, जो ईंट का जो रोल है मकान में, फूल का की जो भूमिका माला में है, वही भूमिका शब्दों की। वर्ड्स आर लाइक ब्रिक इन द हाउस, वर्ड्स आर लाइक फ्लावर इन द गार्लैंड। सो ही हैज़ टू कीप ए गुड वर्ड्स वर्ड स्टॉक एंड गुड लैंग्वेज, गुड कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज। सो गुड कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज इज सिमिलरली कमांड ओवर द जीके। उसका जनरल नॉलेज, उसका करेंट अवेयरनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अखबार ही निकाल रहा है। अखबार एक क्या मैंने बताया था, जर्नलिज्म इज ए हॉट कॉफी, तो ताजी ताजी घटनाओं को एकदम तैयार करके भेजता है। आजकल तो आफ्टरनून एडिशन भी निकलता है, उस दिनों के में देखोगे डे एडिशन, फोरनून एडिशन, आफ्टरनून एडिशन, नाइट एडिशन, ऐसे अखबार आने वाले समय में निकल सकता है। वेबसाइट एडिशन में तो होता ही है, सुबह दोपहर शाम बदल जाता है, तो उसको क्यों घटना घटी है, तुरंत कई घटनाएं पूरे विश्व में, देश में, राष्ट्र में, आपके अपने प्रोविंस में घटती रहती, तो उसके बैकग्राउंड से वो अवगत हो तब तो वो न्यूज़ को अच्छी तरह पहचानेगा।
तो इसलिए उसके पास जनरल नॉलेज और करंट अवेयरनेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नोज फॉर न्यूज, समाचार को सूंघने की क्षमता। हर आदमी समाचार नहीं सूंघ सकता, ठीक है, लेकिन उप संपादक या रिपोर्टर, ये दोनों में नोज फॉर न्यूज होना चाहिए। नोज फॉर न्यूज का मतलब कोई ऐसा नाक नहीं होता है, बड़ा सा नाक होता है, किंतु ही शुड हैव बिगर नोज। बिगर नोज का मतलब उसकी खबर को सूंघने की क्षमता। जो रिपोर्टर अच्छी खबर सूंघ सकता है वो खबर के पास अपने आप पहुंच जाता है, मडराता हुआ पहुंच जाएगा। उसी तरह जो उप संपादक है, 10 कॉपी रखी है तो उसमें वो पकड़ लेगा कि किसमें अच्छा न्यूज है, कि एक पर्टिकुलर कॉपी के अंदर कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा न्यूज वर्दीनेस रखता है, कहां पर सबसे ज्यादा न्यूज वैल्यू है किस पोर्शन ऑफ दैट स्टोरी, ही विल जज। सो ही शुड हैव नोज फॉर न्यूज एंड फील फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति फील होना चाहिए, फील करे कि वो घटना उसके साथ, उसको कहते हैं हम लोग इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब समान अनुभूति। किसी परिवार के साथ कोई घटना घटी है तो उसको ऐसा महसूस हो कि उसके परिवार के साथ घटना हो, उस दर्द को महसूस करता है, तब उसके कलम से सही धारा प्रवाह निकलती। या जो रेडियो का होगा उसकी वाणी से वो आवाज़ फूटे तो उस दर्द को महसूस करे।